ये टेक्निकल एसईओ होता है क्या है और इसमें क्या क्या चीजें कवर करनी होती हैं, अगर आपने नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास में कितने टाइप के एसईओ होते हैं। तो पहला होता है आपका ऑन पेज एसईओ, दूसरा होता है आपका ऑफ पेज एसईओ, और एक तीसरे तरीके से हम कंसीडर करते हैं इसको टेक्निकल एसईओ। वैसे अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो टेक्निकल एसईओ जो है वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, बस क्योंकि यहां पर जो आपका इस पे जो काम करने वाली जो टीम होती है वो डिफरेंट होती है, और जो आपकी ऑन ऑन पेज एसईओ पे जो काम करने वाली टीम है वो डिफरेंट होती है। इसी वजह से यहां पर इन दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास जो है ऑन पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट जो हैं वो सिमिलर ही हैं, बिकॉज टेक्निकल एसईओ इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, आपकी वेबसाइट के ऊपर ही काम करना होता है, इसीलिए इसको भी हम वहीं पे कंसीडर कर सकते हैं। बट डेफिनेटली क्योंकि एक डिफरेंट टीम सेलेक्ट इसमें जो है काम करती है, जिसके पास में टेक्निकल नॉलेज होता है, इसीलिए हम इसको टेक्निकल एसईओ की बात अलग कर लेते हैं। तो चलिए आज डिटेल में समझते हैं कि टेक्निकल एसईओ है क्या। तो अगर आपने जो है, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर ऑन पेज ऑफ पेज नहीं मालूम है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो जो है वो देख सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट का एसईओ का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है और आई बटन में भी आपको के मिल जाएगा, तो आप आसानी से जो है वहां तक नेविगेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एसईओ की। तो टेक्निकल एसईओ पहली बात तो करना क्यों जरूरी है, करना इसलिए जरूरी है, इस पे फोकस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके वेबसाइट के ऊपर में यूजर आता है, या लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपकी बात करें या मैं मेरी बात करूं, तो अगर मैं किसी की वेबसाइट पे जा रहा हूं और वो वेबसाइट लोड होने में टाइम ले रही है, लाइक 30 सेकंड से ज्यादा लिए, तो डेफिनेटली जनरल टेंडेंसी क्या हो गई है कि हम वेट नहीं करते हैं, सीधा अगर वेबसाइट टाइम ले रही है ओपन होने में तो हम तुरंत ही उसको बंद कर देते हैं, फिर दूसरी किसी वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। तो इसीलिए टेक्निकल एसईओ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर जो है हमारा जो बेटर जो क्रॉलिंग है उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे बढ़ाना होता है, या फिर जो बेटर आपकी इंडेक्सिंग है उसका एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे बढ़ाना होता है, या फिर इन अदर वे कहें तो जब भी आपके क्रॉलर्स या फिर जिनको हम स्पाइडर्स कहते हैं वो हमारी वेबसाइट को एनालाइज करने के लिए हमारी वेबसाइट पे आए, किसी भी पेज पे आए, तो उनके पास में प्रॉपर तरीके से जो है सारी चीजें मिल जानी चाहिए, ताकि हमारी वेबसाइट जो है ऑर्गेनिकली नंबर वन पे रैंक कर सके। तो इसीलिए यहाँ पे टेक्निकल एसईओ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसमें क्या क्या टर्म्स जो है हमें काम करने होते हैं। तो पहला होता है आपका वेबसाइट का लोडिंग टाइम। लोडिंग टाइम जो है वो जितना कम हो सके उतना ही बेहतर होगा, यानी कि जैसे मैं आपकी वेबसाइट ओपन करूं तो अगर तुरंत ओपन हो जाएगी तो वो हमारे लिए बेस्ट है, अदरवाइज यूजर आएंगे लेकिन क्योंकि लोड होने में टाइम ले रही है तो चले जाएंगे, एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस होता है, और जिसके चलते हमें गूगल के अंदर पेनल्टीज भी मिल जाती है या रैंकिंग जो है वो पीछे चली जाती है, इवन दो हमने हर चीज बहुत अच्छे से कर रखी है लेकिन टेक्निकल एसईओ की वजह से हमने हमारा जो रैंकिंग है वो डाउन करवा लिया। तो अब दूसरे की बात करें यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट कहने का मतलब है कि जब भी कोई यूजर हमारी वेबसाइट पे आए वो वेबसाइट का जो लेआउट्स हैं वो यूजर फ्रेंडली होने चाहिए। व्हेन आई से यूजर फ्रेंडली, लाइक उसको पता होना चाहिए कि किस तरीके से चीजों बनाई गई हैं, डिजाइन करी गई हैं, वो आसानी से उसको नेविगेट कर पाए हमारे सभी पेजेस के ऊपर में, इसको हम बोलते हैं आपका वेबसाइट स्ट्रक्चर, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने कोई ऐसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना दिया जहां पे समझ में नहीं आ रहा है तो यूजर जो है तुरंत ही आपकी वेबसाइट को छोड़कर चला जाएगा। तीसरे की बात करें तो साइट मैप क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हमारे स्पाइडर्स आते हैं तो बेसिकली वो साइट मैप को जो है पहले चेक करते हैं, क्योंकि वहां पर आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर कितने पेजेस हैं और कौन सा पेज किस यूआरएल से जो है कनेक्टेड है वो सारी डिटेल उसके अंदर अवेलेबल होती है, उसी के बेसिस के ऊपर में जो है आपके इंडेक्सिंग जो है वो करी जाती है, इसलिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद हम बात करें आज की डेट में आपकी जो भी वेबसाइट है वो रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। व्हेन आई से रेस्पॉन्सिबल, यानी कि आपकी मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, बिकॉज
डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज हैं और डिफरेंट डिफरेंट उनके साइज हैं, स्क्रीन साइजेस हैं। अगर मैं मेरी वेबसाइट जो है वो मोबाइल पे ओपन कर रहा हूं तो डेफिनेटली स्क्रीन का जो साइज है वो बहुत छोटा है, और ऐसे में अगर डेस्कटॉप का ही सेम साइज मैं यहां पे लोड करवा दूंगा तो चीजें बड़ी छोटी हो जाएंगी और यूजर का एक्सपीरियंस बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको रीस्ट्रक्चरिंग करके जो उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके कॉन्टेंट को यहां पर उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग जो है ऑप्टिमाइज करवाते हैं। अगर कोई टैबलेट पे ओपन करता है तो टैबलेट का साइज जो है मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन अगर देखें तो हमारी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उससे छोटा होता है। वहां पे जो कंटेंट का जो तरीका होता है स्ट्रक्चरिंग का वो डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से जो है आपको अपनी वेबसाइट जो है वो यूजर फ्रेंडली भी बनानी है, जिसको हम यहां पर टेक्निकल टर्म्स के अंदर रेस्पॉन्सिव वेबसाइट की बात करते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें यहां पे रीडायरेक्शन जो पेजेस हैं, यानी कि जो इंटरलिंक्स हैं या फिर जो पेजेस हम रीडायरेक्ट करके किसी दूसरे लैंडिंग पेज से लेके जा रहे हैं, तो ऐसे में उसके अंदर जो 301, 302 वगैरह जो कोड होते हैं उनका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना, ताकि जो है हमारे कहीं पर भी 404 या फिर 505 जो वाले जो एरर्स हैं, ऐसे कोई भी एरर जो है यूजर को सामने नहीं आने चाहिए। तो ये सारे जो हैं वो आपके होते हैं टेक्निकल SEO। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो डोंट वरी। अब जैसे कि स्पीड को अगर मान लीजिए स्लो मिल रही है तो उसको इंक्रीज कैसे करना है, तो ये सारी चीजें जब हम टेक्निकल SEO के ऊपर में काम करेंगे तो वहां पर जो है डिटेल के अंदर इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है और क्या टेक्निक्स है होती हैं जिससे हम अपनी वेबसाइट को टेक्निकल SEO को जो है बेटर बना सकते हैं, ताकि हमारे यूजर का एक्सपीरियंस बेटर बन सके और हमारी जो वेबसाइट है वो टॉप रैंक के अंदर लिस्ट हो सके। तो आई होप गाइस कि आपको ये टेक्निकल SEO भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कंप्लीट बेसिक से एडवांस तक SEO में जाना चाहते हैं तो बने रहे हमारे इस चैनल के साथ में, इस प्लेलिस्ट के साथ में। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो देख लें इस पूरी प्लेलिस्ट का, सो दैट कि आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज हो जाए। अभी हमारे चल रहे हैं फंडामेंटल्स, ताकि जब हम टेक्निकली प्रैक्टिकली जो चीजों को करेंगे तब आपको किसी भी चीज का डाउट नहीं रहना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। आपके पास में पहले से नॉलेज होगा तो डेफिनेटली आप चीजों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे और उसको अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग्स के ऊपर में या अपने क्लाइंट्स के लिए इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।